ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपको आज कक्षा 7 का हिंदी फर्स्ट पढ़ाने जा रही हूँ महान व्यक्तित्व से, अध्याय 7। पाठ का नाम है महाराजा अग्रसेन। तो आज हम महाराजा अग्रसेन पाठ का सारांश मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी। तो आइए देखते हैं। हरियाणा का अग्रोहा नगर ही प्राचीन काल में अग्रोहा राज्य था। हरियाणा में एक क्या था? हरियाणा में एक अग्रोहा नगर था जो प्राचीन काल में अग्रोहा राज्य था। उस राज्य के संस्थापक महाराजा अग्रसेन थे। उस राज्य के संस्थापक कौन थे? महाराजा अग्रसेन। उनके पूर्वज धनपाल ने स्वर्स्ती नदी के किनारे नगर प्रताप नगर बसाया था। जो उनके पूर्वज थे धनपाल, उन्होंने सरस्वती नदी के किनारे प्रताप नगर बसाया था। इसी कुल में एक राजा हुए जिनका नाम बल्लभ था। और इस कुल में एक राजा हुए उनका नाम था बल्लभ। अग्रसेन इन्हीं के पुत्र थे। बल्लभ के ही पुत्र अग्रसेन थे और सूरसेन अग्रसेन के छोटे भाई, और अग्रसेन के छोटे भाई सूरसेन थे। उसके बाद से कुल में राजा उत्पन्न हुए, उनका नाम था बल्लभ और अग्रसेन होने के पुत्र थे। तो मैंने पहले बताया था सूरसेन अग्रसेन के छोटे भाई थे। युवा अवस्था में अग्रसेन शासन व्यवस्था और सूरसेन सैन्य व्यवस्था देखते थे। अग्रसेन शासन व्यवस्था देखते थे और सूरसेन सैन्य व्यवस्था देखते थे। अग्रसेन जन्म काल पर महर्षि गर्ग ने कहा, जब अग्रसेन ने जन्म लिया तो महर्षि गर्ग ने कहा था कि यह तेजस्वी राजा बनेगा और नई शासन व्यवस्था भी स्थापित करेगा। ये राजा बनेगा और नई शासन व्यवस्था भी स्थापित करेगा, जिसे अग्रसेन ने कर दिखाया। और वैसा ही अग्रसेन ने कर दिखाया। उनके राज्य में हिंसा पशु बलि का कोई स्थान नहीं था। उनके राज्य में किसी प्रकार का हिंसा पशु बलि का कोई महत्व नहीं था, कोई स्थान नहीं था। सभी वर्ग आपस में बंधुत्व भाव से रहते थे और सभी लोग भाई बहन आपस में भाई बहन जैसे व्यवहार करते, सबके साथ समानता का व्यवहार अच्छे से सभी लोग रहते थे। अग्रसेन का विवाह नागराज की पुत्री माधवी से हुआ और उनसे इससे क्या हुआ? जब उनका विवाह माधवी से हुआ तो देवराज इंद्र नाराज हो गए और प्रताप नगर में वर्षा न होने का श्राप दिया। और जब उन्होंने अग्रसेन का विवाह जब नागराज की पुत्री माधवी से हुआ तो इस पर इंद्र नाराज हो गए और वे प्रताप नगर में वर्षा न होने का श्राप दे दिए। दोनों भाई किसी तरह से राज्य को इस विपत्ति से बचा लिया उसके बाद से इंद्र के प्रकोप से मुक्ति के लिए अग्रसेन ने शंकर जी की उपासना की। और इंद्र जी जो उनको श्राप दिए थे बारिश न होने का, उसके लिए उन्होंने शंकर भगवान की उपासना की प्रारंभ की। शिव के आदेश पे अग्रसेन ने महालक्ष्मी की उपासना की उसके बाद से प्रसन्न महालक्ष्मी ने उन्हें कहा कि तुम सर्वप्रथम गृहस्थ धर्म अपनाओ, और कहा कि सबसे पहले तुम गृहस्थ धर्म अपनाओ तभी तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा। साथ ही कोलापुर के नागवंशी राजा महीरथ की पुत्री सुंदरावती को वरण करने का निर्देश दिया। और साथ ही में क्या किया, कोलापुर की नागवंशी राजा महीरथ की पुत्री थी सुंदरावती, क्या नाम था, सुंदरावती, उनको उन्होंने वरण करने का निर्देश दिया। अग्रसेन ने कोलापुर जाकर महीरथ की पुत्री को स्वयंवर में प्राप्त किया। और अग्रसेन कोलापुर गए और वहां पर उन्होंने महीरथ की पुत्री को स्वयंवर में प्राप्त किया। राज्य पर संकट आने पर माधवी के पिता कुमुद और सुंदरावती के पिता महीरथ ने बहुत सहायता की।
और जब संकट आया तो माधवी के पिता कुमुद और सुंदरावती के पिता थे महीरथ। बहुत ही सहायता थी, दोनों संस्कृतियों के मिलन से आपस में मित्र भाव बढ़ा और दोनों में दोनों संस्कृतियों के मिलने से आपस में क्या हुआ, मित्रता का भाव बढ़ा। सूरसेन का विवाह यक्ष राजा की पुत्री सुपात्रा से के साथ हुआ और सूरसेन का विवाह यक्ष राजा की पुत्री सुपात्रा के साथ हुआ। अग्रसेन के निमंत्रण पर इंद्र स्वयं नगर आए और अग्रसेन के निमंत्रण पर इंद्रदेव स्वयं नगर आए, उनका सम्मान किया गया। अग्रसेन के पिता ने इंद्र को साथ बैठाया, अग्रसेन के पिता ने इंद्र के साथ बैठाया गया तथा छत्र तथा चवर लगाया गया। सभी से अग्र वंशियों में विवाह के समय छत्र व चवर का प्रयोग होने लगा और तब से सभी अग्रवंशियों का जब विवाह होता था तो उस समय छत्र और चौर का प्रयोग होने लगा। अग्रसेन तीर्थों का भ्रमण पर अग्रसेन ने पंजाब में अग्रोहा नामक एक नगर बसाया और तीर्थों का भ्रमण करने के लिए अग्रसेन ने क्या किया, नगर स्वयं नगर आए और उनका सम्मान किया। अग्रसेन के पिता किया और तीर्थों का भ्रमण करने के लिए उन्होंने क्या किया, अग्रसेन ने पंजाब में अग्रोहा नामक एक नगर बसाया जिसमें 18 बस्तियां थी। उसमें कितनी बस्तियां थी, 18 बस्तियां थी। उनकी राज्य नीति जियो और जीने दो पर आधारित थी, उनकी राज्य जो थी वो जियो और जियो और जीने दो पर आधारित थी। श्राप बस में काफी समय तक संतानहीन थे, ठीक है, श्राप बस वे काफी समय तक संतानहीन थे। बाद में लक्ष्मी की कृपा से उन्हें एक संतान हुई। राजकुमार विभू भाइयों ने सबसे बड़े थे, राजकुमार जो विभू थे वो अब सबसे बड़े भाइयों में थे। उन्होंने पशु बलि के स्थान पर नारियल को यज्ञ में पूर्ण आहुति की साधन बनाया और पशु बलि के स्थान पर उन्होंने क्या किया, नारियल को यज्ञ में पूर्ण आहुति का साधन बनाया। उसके साथ राज्य के प्रत्येक नागरिक एक दूसरे की सहायता करता था और उनके राज्य में प्रत्येक नागरिक क्या करता था, एक दूसरे का सहायता करता था। प्रत्येक नागरिक एक दूसरे की सहायता करता था। राजा का आदेश था कि राज्य में नए आने वाले प्रत्येक नागरिक को एक मुद्रा और एक ईंट दिया जाए जिससे वे सुख से रह सकें। और जो भी नया नागरिक आता था राज्य में, प्रत्येक नए नागरिक को एक मुद्रा और एक ईंट दिया जाता था जिससे वे सुखपूर्वक रह सकें। इस प्रकार से महाराजा अग्रसेन का सारांश समाप्त हुआ। अब मैं आपको इसका अभ्यास प्रश्न बताऊंगी। कक्षा 7 चैप्टर 7 महाराजा अग्रसेन अभ्यास प्रश्न देखिए। एक मुद्रा और एक ईंट से क्या तात्पर्य है? एक मुद्रा और एक ईंट से तात्पर्य है कि सभी नए आने वाले नागरिकों को पूर्ण सहयोग दिया जाए ताकि वे बिना कष्ट के जीवन बिता सकें। क्वेश्चन नंबर 2, महाराजा अग्रसेन ने यज्ञों में होने वाली किस प्रथा को रुकवा दिया, उसके स्थान पर क्या प्रथा प्रचलित कराई? उत्तर, महाराजा अग्रसेन ने पशु बलि की प्रथा पर रोक लगाई, इसके स्थान पर नारियल को ही बलि का साधन बनाया। फिर है सही विकल्प चुनिए। अ है अश्वमेध यज्ञ में कौन सा पशु विश्व विजय के प्रतीक स्वरूप छोड़ा जाता था, बैल घोड़ा भैंसा गधा? तो घोड़ा। महाराजा अग्रसेन ने कौन सा नया नगर बसाया, अंगोहा अग्रोहा वैदेहा सोरहा? तो अग्रोहा दूसरा सही हो जाएगा। इसमें खाली स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है महाराजा अग्रसेन के राज्य में हिंसा का कोई स्थान नहीं था, इसमें हिंसा भरा जाएगा। अगला है अग्रोहा स्थान वर्तमान में हरियाणा राज्य में है, तो हरियाणा भरा जाएगा। अग्रवंशजों के विवाह में छत्र व चवर का प्रयोग आज भी परंपरा है, इसमें छत्र व चवर भरा जाएगा।